फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड फिश हेल्थ, इस टॉपिक के बारे में। फिश के हेल्थ पर इन्वायरमेंट का निम्नलिखित रूप से प्रभाव पड़ता है, जैसे टेम्परेचर चेंजेस का प्रभाव पड़ता है, ब्रीडिंग साइकिल पर प्रभाव पड़ता है, मौसमी परिवर्तन का, फीड मैनेजमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है। फीड मतलब फिशेस का फूड जो होता है, जब वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है उसका भी प्रभाव फिशेस पर पड़ता है। जब एक्वाटिक एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट हो जाता है तो उसका भी दुष्प्रभाव फिशेस पर पड़ता है। वाटर क्वालिटी में चेंजेस इत्यादि का भी फिशेस के हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। जो आवागमन के साधन हैं, जो बोट इत्यादि है, नाव इत्यादि है, उसका भी प्रभाव फिशेस पर पड़ता है। आफ्टर जो फिश का पालन किया जा रहा है तो फिश के पालन का हैंडलिंग के तरीके पर भी फिश के हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अन्य प्रभावों के बारे में अगर देखें तो फिश के हेल्थ पर रिवर फ्लड यानी कि जो नदियों में जो बाढ़ इत्यादि का भी प्रभाव फिश के हेल्थ पर पड़ता है। टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, सैलिनिटी कम या ज़्यादा हो जाता है उसका भी दुष्प्रभाव फिशेस पर पड़ता है। टर्बिडिटी यानी कि गंदलापन, फिश गंदलापन पानी में बढ़ जाता है उसका भी दुष्प्रभाव फिशेस पर पड़ता है। एस्चुअरी के साइज अगर छोटा या बड़ा होता है तो उसका भी दुष्प्रभाव फिशेस पर पड़ता है। डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट यानी कि DO अमाउंट में कमी का भी फिशेस पर दुष्प्रभाव देखा जाता है। कैचमेंट साइज का छोटा होने से भी फिशेस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। पॉल्यूशन का भी दुष्प्रभाव फिशरेस पर पड़ता है। ऑल्फैक्ट्री क्यूस यानी कि जो सांस लेने संबंधी दिक्कत, इस वजह ये भी फिशरेस हेल्थ में प्रभाव पड़ता है। एस्चुराइन प्रोडक्टिविटी यानी कि एस्चुरिक एनवायरनमेंट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये भी काफ़ी हद तक प्रभाव फिशेस के हेल्थ पर डालता है। इसके अलावा फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी, इसका भी प्रभाव पड़ता है। कोहिट एबंडेंस यानी कि जो साथी जीव है उसका प्रचुरता, उसका भी काफ़ी हद तक फिशेस के हेल्थ में प्रभाव पड़ता है। पैरासाइट्स डिसीज कॉज करते हैं, तो पैरासाइट्स का उपलब्धता, कौन कौन से टाइप से पैरासाइट है, कौन कौन से साइज के पैरासाइट्स है, इसका भी प्रभाव फिशेस के हेल्थ पर पड़ता है। प्रेडेटरी एनिमल कौन कौन से हैं, प्रेडेटर फिश कौन कौन से हैं, इसका भी प्रभाव फिशेस के हेल्थ पर पड़ता है। फिशेस के लिए फूड सेक्स इत्यादि का कंपटीशन कितना है, इसका भी प्रभाव फिशेस के हेल्थ पर पड़ता है। रिप्रोडक्टिव कंडीशन का भी फिशेस के हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। मैराइन बायोडाइवर्सिटी का भी प्रभाव फिशेस के हेल्थ पर पड़ता है। फूड अवेलेबिलिटी का भी प्रभाव फिशेस के लाइफ पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फिश अवेलेबल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो बीमार हो जाएंगे। हैबिटेट अवेलेबिलिटी यानी कि उपयुक्त एनवायरनमेंट है कि नहीं, इसका भी प्रभाव फिशेस के हेल्थ पर पड़ता है। सीजनल वेरिएशन का भी प्रभाव फिशेस पर पड़ता है। माउथ कंडीशन पर भी फिश का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा फिजिकल कंस्ट्रिक्शन का भी प्रभाव फिशेस के हेल्थ पर पड़ता है। रिवर फ्लड्स का भी प्रभाव फिशेस के हेल्थ पर पड़ता है। तो इन सब का प्रभाव फिशेस के हेल्थ पर देखा जाता है। अन्य प्रभावों में अगर फिश हेल्थ का प्रभाव देखें तो पॉल्यूशन के रूप में एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, सीवेज पॉल्यूशन का गहरा दुष्प्रभाव फिशेस पर देखा जाता है। नेचुरल फैक्टर के रूप में जियोलॉजिकल फैक्टर और सॉइल फैक्टर, ये दोनों फैक्टर फिश के हेल्थ को प्रभावित करते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर के रूप में टेम्परेचर और तूफान इत्यादि फिशेस के हेल्थ को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इंटरनल फैक्टर के अंतर्गत अगर देखें तो फार्म मैनेजमेंट यानी कि फिशरीज फार्म जो होते हैं वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ वाटर एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, वहाँ का क्लीनिंग शुद्ध, वहाँ का एनवायरनमेंट शुद्ध है कि नहीं, वहाँ का मेंटेनेंस कैसा है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। फिश हस्बेंड्री का भी काफ़ी हद तक प्रभाव फिशेस के हेल्थ पर पड़ता है। स्टॉकिंग डेंसिटी ठीक है कि नहीं, फिश फीड मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं, इन सब बातों का फिशेस के हेल्थ पर प्रभाव देखा जाता है। फिश एक्टिविटीज़ यानी कि जो फिश का जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है उसका सही से मैनेजमेंट है कि नहीं, इसका भी प्रभाव फिशरीज पर देखा जाता है। फिश हेल्थ, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वहाँ प्रेसिपिटेशन कैसा है, टेम्परेचर,
रेडियंस के अमाउंट कैसा है, तो इन सब बातों का प्रभाव फिशेस के हेल्थ पर देखा जाता है। ओसनिक कंडीशन कैसा है, वहाँ अप वेलिंग का अमाउंट कैसा है, डाउन वेलिंग का अमाउंट कैसा है, सी लेवल राइज तो नहीं हो रहा है, सर्कुलेटरी एंड एक्सचेंज जो सिस्टम होता है यानी कि गैसेज एक्सचेंज सिस्टम होता है उनके लिए उपयुक्त इन्वायरमेंट है कि नहीं, फ्रेश वाटर फ्लो डिस्चार्ज ठीक है कि नहीं, वाटर क्वालिटी ठीक है कि नहीं, हैबिटेट कंडीशन ठीक है कि नहीं, टर्बिडिटी का अमाउंट कैसा है, फूड वेब सही से है कि नहीं, जैसे फाइटोप्लांकटन को एनर्जी मिलता है सूर्य के प्रकाश से, सूर्य इस फाइटोप्लांकटन को जो प्लांकटन खाते हैं, जो प्लांकटन को छोटे आकार के फिशेस खा सकते हैं, छोटे आकार के फिशेस को बड़े आकार के फिशेस खा सकते हैं, फिर बड़े आकार के फिशेस जब मरेंगे तो उसको जो स्मॉल आकार के जो डिकम्पोजर्स एनिमल होंगे जैसे राइजोपस इत्यादि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मृत सड़े गले जीवों को सड़ाने का काम करते हैं और वापस कार्बोनेट नाइट्रेट सल्फेट के रूप में धरती में मिला देते हैं या वाटर सरफेस पर मिला देते हैं। तो फिर इन कार्बोनेट नाइट्रेट सल्फेट का यूज़ फिर से प्लांट करने लगते हैं, उस प्लांट से यानी कि फाइटोप्लांकटन से फिर फूड मटेरियल का ट्रांसफ़र यानी कि एनर्जी फ्लो होने लगता है। तो एक तरह से फूड वेब सही है कि नहीं, ये भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। मनुष्यों का प्रभाव जैसे डैम्स इत्यादि का निर्माण, न्यूट्रिएंट साइकिल में डिस्टरबेंस, सेडिमेंट, कंटेमिनेंट्स, सब्सटेंस इत्यादि का जमावट, तो इन सब बातों का भी फिश के एनवायरनमेंट में प्रभाव। फिशेस का फेकल कंडीशन कैसा है, वहाँ बैक्टीरिया कैसे हैं, कौन कौन से हैं, इसका भी प्रभाव फिशेस की लाइफ पर पड़ता है। इसकी वजह से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जन्म ले सकते हैं। डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कैसा है, इसकी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म किल हो सकते हैं। अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम हुआ तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का अमाउंट भी नियत अवस्था में होना जरूरी है। जिंक, आर्सेनिक, लेड, मरकरी, कैडमियम, निकिल इत्यादि कंपोनेंट फिश के एनवायरमेंट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर डेथ कर जाएंगे। साल्ट के अमाउंट एक नियत अमाउंट में बना रहना जरूरी है। मड, सैंड और अदर एनवायरमेंट का एक नियत अमाउंट में बना रहना जरूरी है, नहीं तो फिश के एनवायरमेंट में स्थित विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस इत्यादि डिसीज कॉज करते हैं, जिसमें पैरासाइटिक डिसीज जो पैरासाइट्स कॉज करते हैं, ट्राइकोनेलिस ये जो डिसीज कॉज करते हैं उसका नाम है ट्राइकोडाइनोसिस, माइक्रो एंड माइक्रोपोरिडाइटिस, आर्गोनोसिस, ये सब डिसीज का नाम है, पैरासाइटिक डिसीज का नाम है। उसी प्रकार बैक्टीरियल डिसीज भी इन्वायरमेंट में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से फिशेस को जो बैक्टीरियल डिसीज होते हैं उसके अंतर्गत है। कंगेस्टिव डिसीज, बैक्टीरियल हेमोरेजिस, सेप्टिसिमिया डिसीज, ड्रॉपसी डिसीज, वायरल डिसीज के अंतर्गत एपिसोडिक अल्ट्रासीमिया, और इसी प्रकार फंगल डिसीज के अंतर्गत सेप्रोलिग्नोसिस एंड ब्राइकोमाइसिस, ऐसे डिसीज फिशेस को हो जाते हैं। जनरली ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिशेस के एनवायरमेंट में पाए जाते हैं जिनसे कंपटीशन फिशेस को करना होता है। जिन फिशेस का रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होता है, जिन फिशेस को साल्ट के कंसंट्रेशन या फिर जो कंसंट्रेशन में थोड़ा मोड़ा चेंजेस को सहन कर पाने में सक्षम होते हैं, वो फिशेस आसानी से इजीली सर्वाइव करते हैं, बल्कि बाकी फिशेस को सर्वाइव करने में थोड़ा दिक्कत होती है। थोड़ा सा भी ऑक्सीजन के अमाउंट में कमी होता है, थोड़ा सा भी गंदलापन पानी में बढ़ता है, वाटर क्वालिटी थोड़ा सा भी चेंज होता है, तो इसका फिशेस के एनवायरनमेंट में फिशेस को नुकसान होता है। तो उपरोक्त अध्ययन से हमें यहाँ पता चलता है कि फिशेस का हेल्थ पर उसके एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।